रास्ता थोड़ा सा नहीं ख़राब लग रहा है मुझे, क्लाउड एंड मतलब बल्कि हाथी पाँव के बाद से रास्ता काफ़ी ख़राब हो जाता है। ये तो काफ़ी ख़राब लग रहा है, पूरी बजरी बजरी पड़ी है। वेलकम टू रोवर राही चैनल, आप सभी का स्वागत करता हूँ रोवर राही चैनल में, और मेरा नाम है राही। तो एक्सप्लोरिंग देहरादून की इस सीरीज़ में मैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है भद्राज टेम्पल। काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा जो देहरादून में रहते हैं, बट कभी जाना नहीं हुआ होगा, बहुत ही कम लोग इस जगह पर गए हुए हैं। तो ये जो प्लेस है ये मसूरी की तरफ पड़ती है बेसिकली। तो आप अगर एक दिन की शॉर्ट ट्रिप ढूँढ रहे हैं तो आप इस प्लेस को ज़रूर जा सकते हैं, और काफ़ी एक अच्छा टेंपल है भद्राज का। और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि भद्राज टेंपल किसका है, बलराम जी का, जो कृष्ण जी के बड़े भाई थे, बालभद्र का ये मंदिर है। तो बेसिकली अभी प्लान ये है कि अभी मैं पैसिफिक मॉल के आसपास हूँ जो कि राजपुर रोड में पड़ता है, यहाँ से हमें मसूरी की तरफ जाना है। लेकिन प्रॉपर मसूरी नहीं जाना है, उससे पहले हाथी पाँव का एक रास्ता है, हम वो पकड़ लेंगे कि हमें क्लाउड एंड की तरफ जाना है, और फिर वहाँ से मंदिर का हमें यात्रा करनी है। तो जिन लोगों की को भी ट्रैक करना पसंद है, चलना पसंद है, तो वो इस रास्ते को ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि इस जगह में आप अपना ट्रैक भी इंजॉय करेंगे और एक काफ़ी अच्छी हाइट पे ये मंदिर है। तो वहाँ से आपको पूरी जौनसार भावर की जो रेंजेस हैं, जो चक्रौता की रेंजेस हैं, वो आपको एक अच्छा व्यू देंगी। और मैं भी पहली बार इसकी तरफ जा रहा हूँ, मेरा भी कभी जाना नहीं हुआ है। तो अभी प्लान ये है कि यहाँ से हम निकल रहे हैं पैसिफिक मॉल से, बीच में मैं एक जगह बताऊँगा हाथी पाँव। हाथी पाँव का एक रास्ता आता है, बोर्ड आता है, मैं बताऊँगा कितने किलोमीटर बाद आपको वो पड़ेगा, ताकि आपको वो रास्ता लेना है और फिर उस रास्ते पर जाके क्लाउड एंड की तरफ जाना है। तो अभी की अपडेट्स यही हैं, और तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से। तो भद्राज मंदिर जाने के लिए सबसे पहले आपको मसूरी की तरफ जाना होगा, और इसके लिए आपको मसूरी रोड पकड़नी पड़ेगी। और ये जो मसूरी की तरफ जाने का रास्ता है, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि यहाँ से आपको पूरे देहरादून का नज़ारा अच्छे से दिखता है। तो जो पीछे मेरे दिख रहा है, पहुंच चुके हैं हाथी पाँव पे, हाथी पाँव वाले रास्ते पे। तो जो ये रास्ता जा रहा है इधर को, जो मैंने अभी बैक कैमरे पे दिखाऊंगा, वो जा रहा है हाथी पाँव को। तो हमें क्लाउड एंड की तरफ अगर जाना है, मतलब जहां हम भद्राज की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ये वाला हाथी पाँव वाला रास्ता लेना है। ये जो लेफ्ट को रास्ता जा रहा है, ये हाथी पाँव को जा रहा है, हमें इस पर जाना है, और ये वाला रास्ता मसूरी को चले गया, हमें इस पर जाना है। 5 किलोमीटर पहले, मसूरी से पहले ये रोड जाती है, ये बोर्ड आपको दिख जाएगा, तो ये बोर्ड मिस नहीं करना है। तो आपको ये वाला हाथी पाँव वाला रास्ता पकड़ना है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्लाउड एंड की तरफ। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे तो आप क्लाउड एंड मेन मसूरी से होके भी जा सकते हैं, या फिर ये हाथी पाँव वाले रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। मैंने इस हाथी पाँव वाले रास्ते को इसलिए चुना क्योंकि एक तो इस रास्ते पे ट्रैफिक बहुत कम रहता है, और दूसरा इस रास्ते पे नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो बाइक चलाने पे बड़ा मज़ा आता है। हम अभी पहुंच चुके हैं हाथी पाँव में, और अभी हमें इस वाले रास्ते पर जाना है जो कि क्लाउड एंड का रास्ता है, और जो ये नीचे रास्ता की तरफ जा रहा है, यही है जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता। तो जॉर्ज एवरेस्ट भी एक काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है इस जगह। जॉर्ज एवरेस्ट मैं फिर कभी आऊँगा,
फिर कभी एक्सप्लोर करूँगा, बट अभी हमें यहाँ से लगभग जॉर्ज एवरेज 1.5 किलोमीटर पड़ जाता है, 1.5 से 2 किलोमीटर है। और ये वाला रास्ता चले जाता है मसूरी को, यही वाला रास्ता हम इस वाले रास्ते से आए हैं। ये है जॉर्ज एवरेज का रास्ता, ये जॉर्ज एवरेज का रास्ता है और हमें जाना है इस रास्ते पे, निकलना है क्लाउड एंड की तरफ, यहाँ हाथी पाँव जहाँ मैं हूँ। अभी मैं आगे और बताऊँगा कितना जाना है, और अभी मुझे लगभग 1 घंटा लग गया, 1.25 घंटा यहाँ पहुँचते हुए लग गया है नीचे से। मतलब धीरे धीरे हम नॉर्मल स्पीड में आए तो इतना लग गया। अभी यहाँ से हम थोड़े खाना तो हम घर से पैक करा के लाए थे, अभी यहाँ से हमें वो लेने हैं, थोड़े से हमने चिप्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिए। आगे नहीं पता शॉप वगैरह कितनी है, तो हम यहाँ पे एक शॉप है हाथी पाँव वगैरह में, आगे मैं देखता हूँ, हुई तो अच्छी बात है, बट यहाँ से हमने ले ली ताकि आगे नहीं मिली तो हमें मिल जाए। तो भद्राज मंदिर जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है वो मैं चुन रहा हूँ, जो कि मसूरी रोड से होता हुआ हाथी पाँव, हाथी पाँव से होता हुआ क्लाउड एंड, और क्लाउड एंड से होता हुआ दुदली गांव। और ये सारा रास्ता आप बाइक पर इजी ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भद्राज मंदिर पहुंचने का है, कंप्लीट ट्रैक करने वाला रास्ता जो कि देहरादून से शुरू होता है। उसके लिए समय भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी चलना पड़ता है, और वो देहरादून से शुरू होता है और पूरा मंदिर तक का वो पैदल चलने वाला रास्ता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय है और आपको लंबा ट्रैक करने की आदत है, तो आप भद्राज मंदिर का दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, जो कि देहरादून से पैदल शुरू होता है और वो मंदिर पे जाके ख़त्म होता है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ, तो अगर मैं पैसिफिक मॉल से बात करूँ, तो पैसिफिक मॉल से क्लाउड एंड 30 किलोमीटर के अराउंड पड़ जाता है, अगर आप हाथी पाँव वाले रास्ते से आएँ। और एक बार अगर आप हाथी पाँव पहुँच गए, तो वहाँ से क्लाउड एंड की दूरी रह जाती है सिर्फ 3 किलोमीटर। तो अभी जो मैंने बोर्ड दिखाया था ना, जहाँ से 2 रास्ते जा रहे थे, तो आपको ऊपर वाला रास्ता लेना है, तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है, चढ़ाई की तरफ। चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है और रास्ता काफ़ी ख़राब है अभी, अभी हम बीच में हैं। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो बोर्ड जहाँ से मैंने दिखाया था, वहाँ से आपको ऊपर की तरफ वाला रास्ता लेना है और उस रोड पर चलना है। बाकी जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी स्टीप है। और ये जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसमें आपको बाइक चलाने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल जंगलों के बीच से होके जाता है, तो ये आपके ट्रैवल को और भी ज़्यादा यादगार बना देगा। तो हम अभी जिस लोकेशन पे हम पहुँचे हैं, क्लाउड एंड में, इसी जगह को बोलते हैं क्लाउड एंड। कई लोग इसे क्लाउड 9 कहते हैं, बट क्लाउड 9 नहीं, क्लाउड एंड। और यहाँ से व्यू अभी दिखाऊंगा मैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुंदर है। अभी हमें और आगे जाना है, तो जो हाथी पाँव से हम लगभग अभी 3 किलोमीटर के अराउंड आगे होंगे, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी पड़ती है, थोड़ी पीछे रह गई है, एक छोटा सा मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जा सकते हैं उसमें, मतलब थोड़ा सा उसमें वो अंदर का चार्ज रहता है जाने का, पता नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अंदर का चार्ज है, बाकी अंदर रेस्टोरेंट वगैरह है, वहाँ बैठ सकते हो। पीछे वहाँ पे पूरी जाने की जगह है, वहाँ पे बैठ के उसमें आराम से आप मतलब फूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हो, बैठ सकते हो, अच्छा खासा लोकेशन अंदर, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक छोटा सा, एक तरीके से जैसे रेस्टोरेंट वगैरह नहीं बना देते, ऐसी लोकेशन पे वो बनी हुई है। तो वो ये एक जगह है क्लाउड एंड। तो आप अगर छोटी सी अपनी ट्रिप करना चाहते हो, तो आप क्लाउड एंड की तरफ भी आ सकते हो, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू, पीछे का बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। क्लाउड एंड की तरफ की जो ये जगह है, ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं,
और बहुत कम लोग इस जगह में घूमने आते हैं। तो अगर आपको ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे भीड़ भड़ाका बहुत कम हो और आपको सीनिक ब्यूटी, माउंटेन्स का व्यू, सामने से उड़ते हुए क्लाउड्स, तो आप इस जगह पे ज़रूर आइए। बाकी आप ऐसा भी नहीं, आप यहाँ पे भी कहीं पे भी बैठ सकते हो इजीली, यहाँ से भी आपको व्यू वगैरह अच्छा दिखता है। बट हमें क्या है कि हमें अभी आगे की तरफ जाना है। वो देखो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे जाना है, पहले यहाँ पे पहुँचना है। रास्ता थोड़ा सा नहीं ख़राब लग रहा है मुझे, क्लाउड एंड मतलब बल्कि हाथी पाँव के बाद से रास्ता काफ़ी ख़राब हो जाता है। ये तो काफ़ी ख़राब लग रहा है, बुरी बजरी बजरी पड़ी है। अगर सही से बाइक वगैरह नहीं चलाई तो पूरी स्किट हो सकती है 101%। रास्ता ख़राब है तो यहाँ पे बाइक वगैरह और मतलब कार वगैरह भी अच्छे से चलानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा चौड़ा रास्ता नहीं है ये, कार आती है वैसे रास्ते पे, बट रास्ता इतना ब्रॉड नहीं है और पत्थर टूट के पड़े हुए हैं, तो गाड़ी स्किड होने का खतरा है यार इस रूट पे ना थोड़ा सा, तो थोड़ा संभल के चलानी पड़ेगी बाइक या कार कुछ भी हो। क्लाउड एंड में आप कहीं पे भी बैठ के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रिजॉर्ट भी है। तो अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक शॉर्ट डे की ट्रिप बनाना चाहते हैं तो आप उस रिजॉर्ट में भी जा सकते हैं और अच्छा फूड ऑर्डर करके अच्छे अच्छे नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बारिश के मौसम में यह रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो अगर आप मानसून के सीज़न में यहाँ का प्लान करते हैं तो सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जिनको पहाड़ों पे बाइक चलाने की या कार चलाने की हैबिट नहीं है, वो बारिश के मौसम में इस रास्ते को अवॉइड करिएगा। हम अभी पहुंच चुके हैं दुदली गांव में और यहीं से भद्राज मंदिर का जो रास्ता है वो शुरू हो जाता है यहीं से। तो अभी हम हाथी पांव से जहाँ मैं मतलब रुका था वो चिप्स वगैरह लेने के लिए, वहाँ से हम लगभग 5 किलोमीटर के अराउंड आगे होंगे, 5 से 6 किलोमीटर मान के चलो आप, हाँ इतना आए होंगे। और जो क्लाउड एंड के बाद का रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यहाँ तक का, दुदली तक का। और अभी दुदली से यहाँ का जो मंदिर का अप्रॉक्स दिखा रहा है वो 5 किलोमीटर का दिखा रहा है, भद्राज मंदिर का रास्ता कि 5 किलोमीटर का है। और बाइक हमने यहाँ खड़ी कर दी है नीचे, यहाँ पे भी कैफ़े वगैरह शॉप वगैरह नीचे हैं और बाइक भी ऊपर जाती है, इवन मुझे बोला है कि कार भी ऊपर जाती है, कोई कोई लोग कार भी लेके जाते हैं। रास्ता मुझे वैसा लगा नहीं बट कार जाती है, बाइक वगैरह के लिए तो रास्ता बना हुआ है, बाइक वगैरह ऊपर तक जाती है, बट जिनको थोड़ा रास्ता पे चलना है मतलब जिनको ट्रैक करना है वो दुदली गांव पहुंच के यहाँ पे बाइक खड़ी करें और फिर यहाँ से पैदल रास्ता शुरू करें। ऊपर पहुँच के बताऊँगा मैं कितना किलोमीटर का पैदल है, बट अभी जो यहाँ से मुझे बोर्ड वगैरह में दिख रहा है वो भद्राज मंदिर दिख रहा है 5 किलोमीटर। हम ऑलमोस्ट मंदिर पहुंच चुके हैं। ये ऊपर पानी कैसे रुका हुआ है,